गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे, एक बहुत अच्छा टॉपिक हम लोग लिए हैं। ये अपने आप सोचनीय विषय है, क्या हम हेल्दी हैं, क्या हमारा हेल्थ अच्छा है, स्वास्थ्य अच्छा है। और दूसरा क्वेश्चन है, हम कब तक हेल्दी रहेंगे, इसकी क्या गारंटी है। क्योंकि ये यदि नहीं तो प्रॉब्लम कहाँ है, बहुत सारा चीज़ आता है। अभी एक टॉपिक हम देख रहे थे, आखिर इस पर बात करने की क्यों चर्चा है। आज देख रहे इतना कोरोना, इतना महामारी, इतना ऐसे चीज़ से हम झेल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आता है कि मेरा इम्यून सिस्टम क्या कहता है, मेरा बॉडी क्या कहता है, आखिर हम जो खाते हैं उसमें क्या चीज़ की अंतर आ रहा है। यहाँ बहुत सारा चीज़ है जो हमको जानना जरूरी है आज के डेट में। तो एक देखते हैं, अभी वर्तमान में एक सर्वे रिपोर्ट के अनुसार देखा गया है कि हमारा थाली में जो 30 साल पहले जो न्यूट्रिशन था, आज वो नहीं है, काफ़ी ह्रास हो चुका है। एक सर्वे के द्वारा देखते हैं कि IDA के अनुसार एक सर्वे आया है कि 30 साल से हमारे पोषक तत्व में घोर कमी, घोर अभाव देखा गया है। जो 30 साल पहले था, आज वो नहीं है, वो दूर हो चुका है, यानी शुद्धता की कोई गारंटी भी नहीं रह गई है। और ऐसा क्यों हम कह रहे हैं, तो देखा गया है कि अभी ब्रिक्स देश में, अभी जब सर्च किया गया कि ब्रिक्स देश में हमारा स्थिति क्या है, तो काफ़ी नीचे, ब्रिक्स देशों में सबसे नीचे हमारा इंडिया का नाम आया स्वास्थ्य के मामले में। तो उसमें एक आया कि 7 करोड़ से अभव हम डायबिटीज से पेशेंट से ग्रसित है आपका इंडिया। और एक सर्वे और डरावना सर्वे आया है कि 2020 तक 40% हार्ट डिजीज हमारा इंडिया में होने जा रहा है। और एक बहुत अभी एक चीज़ और देखा जाए किडनी के मामले में, तो 60% हमारा किडनी जो है ना इन्फेक्टेड हो रहा है हमारा इंडिया में। आखिर इसका कारण क्या है, कहीं ना कहीं कोई तो कारण होगा। और कारण में देखा गया है कि अभी जो हम लोग खेती, जो भी हमारे पैदावार होता है इंडिया में, तो आजकल क्या होता है, पेस्टिसाइड वगैरह का जगह बहुत ज़्यादा मिल गया, बहुत ज़्यादा उसका यूज हम लोग करते हैं, जिससे कि देखा गया कि भारत के मिट्टी में बहुत सारा चीज़ का, खनिज लवण का अभाव हो गया है। एक एक्सपर्ट के मुताबिक देखा गया कि जो जिंक अभी के 43% मिट्टी में जिंक की उपस्थिति मैंने नदारत हो गया है, मैंने ह्रास हो चुका है। बोरॉन के देखेंगे तो 18.3% उसका ह्रास हुआ है हमारे भारत की मिट्टी में। कॉपर के मामले में देखते हैं 5.4% डिक्रीज किया है हमारा इंडियन मिट्टी में। मैग्नीशियम के बारे में देखते हैं तो उसमें बोलता है 5.6% ह्रास हुआ है हमारे भारत की मिट्टी में। आयरन को देखते हैं तो 12.1% आयरन का कमी हुआ है हमारे इंडियन मिट्टी में। आखिर जब मिट्टी में इतना ह्रास हुआ तो मेरा उत्पादन क्या होगा, स्वाभाविक है उत्पादन में भी वो गुणवत्ता नहीं रहेगा जो 30 साल पहले था। देखा गया है, अभी एक सर्च किया गया है आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड से लिया गया है कि गेहूं में कार्बोहाइड्रेट होता है, तो आज के डेट में यदि गेहूं को कार्बोहाइड्रेट देखेंगे तो पहले की अपेक्षा 9% का ह्रास हुआ है। बाजरा में कार्बोहाइड्रेट 8.5% का ह्रास हुआ है। मूंग, जिसके लिए हम आयरन और प्रोटीन के लिए खाते हैं, उसके कंटेंट में देखेंगे तो 6.12 का ह्रास हुआ है। मसूर दाल जो प्रोटीन के लिए हम लोग लेते हैं, 10% का ह्रास उसमें हुआ है, उसकी गुणवत्ता में। और अब आते हैं सब्जी की, अनाज की बात हुई, सब्जी के बारे में आते हैं, जिसमें आलू वगैरह को ले सकते हैं, जिससे कि हमको बी कम्प्लेक्स, मैग्नीशियम या जिंक वगैरह हमको मिलता है, कैल्शियम वगैरह, तो उसमें देखा गया है एक बहुत बड़ा गैपिंग है। पहले जो आलू था उसका टेस्ट और अभी के टेस्ट में देखेंगे तो आपको जमीन आसमान का पता चला, अभी टेस्ट ही नहीं मिलेगा। कारण क्या है, 66 से 73% उसकी गुणवत्ता में ह्रास हुई है। पहले कहा जाता था कि एक एप्पल यदि आप डेली खाते हैं तो आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ा, चूंकि आपका मल्टी विटामिन मल्टी मिनरल्स आपको मिला हुआ है, लेकिन जिसके जो आयरन हमको देता है सेव, उसमें भी देखा गया है कि अभी जो आप सेव खाते हैं तो 60% यानी आधा से ज्यादा का ह्रास आपका हो चुका है। तो इतना न्यूट्रिशन आपका जमीन की धरती की उर्वरा चली गई है, उर्वरा चली गई है तो आपका अनाज का गुणवत्ता आपका खत्म हो गया है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या है, धरती को हम चाहे अकेले तो हम सुधार नहीं सकते हैं, ये तो सोशल वर्क है, हम और सरकार मिलकर उसको फिर एक नया जागृति पैदा करेंगे, सोशल एक्टिविटी के द्वारा हम उसको, समय लगेगा, लॉन्ग टर्म समय लगेगा। तो इस बीच में कारण है, यही सब गैपिंग के वजह से हमारे पास बहुत सारे डिजीज आते हैं। तो इसका निदान क्या हो सकता है, क्या सोल्यूशन है हमारे पास, जो हम क्या कर सकते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, तो अभी तक बहुत सारी चीज, बहुत सारी कंपनी आई है जो अपने अपने प्रोडक्ट को फोकस करती है। लेकिन हमारे पास 1934 में ही एक डॉक्टर कार्ल रेहनबर्ग, जो वर्ल्ड के बहुत बड़े डॉक्टर थे, उन्होंने एक रिसर्च किया। वो डर रहे थे पहले, जो आने वाला समय यदि ये स्थिति रहा तो इतना गुणवत्ता का ह्रास होगा,
और उन्होंने उसी समय एक न्यूट्रीलाइट कंपनी की स्थापना की थी, और उस कंपनी में सबसे पहला प्रोडक्ट था जो न्यूट्रीलाइट डेली के नाम से बनाया गया था, उसमें वह मिशन शामिल किया गया था कि एक ह्यूमन बॉडी को जो रिक्वायरमेंट है, मिनिमम रिक्वायरमेंट को पूरा किया जाए, क्योंकि दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। उन्होंने वो जो दिया WHO को, वह वर्ल्ड में आज एक ब्रांड बन चुका है। आखिर ब्रांड क्यों बना, कैसे से लाभान्वित हो सकते हैं, क्या क्या हमको मिल सकता है, इस चीज को हम देखेंगे। तो ये रहा आपका न्यूट्रीलाइट डेली। इसमें सबसे पहला है जो हमको नीड है, क्या क्या नीड है, सबसे पहले देते हैं विटामिन B1 जिसको थायोमिन के नाम से भी जानते हैं, उसके बाद B2 जो रिबोफ्लामिन के नाम से जानते हैं, एक होता है B6, बी कॉम्प्लेक्स का एक पार्ट है। ये तीनों क्या करेगा, एनर्जी प्रोडक्शन को आपको इम्प्रूव करता है, साथ में आपको नर्व फंक्शन को भी मजबूत बनाए रखता है। मेथाइकोबैलम में जो सी अभी आता है, प्रिगावालिन क्या है, सब बी कॉम्प्लेक्स का ही एक पार्ट है, लेकिन ऑर्गेनिक रूप से उगाया हुआ यदि न्यूट्रीलाइट डेली का हम सेवन करेंगे, 100% हर्बल है, और इसकी विशेषता हम बाद में बताएंगे, इसकी चर्चा करेंगे, लेकिन इतना चीज तो ये मिल गया। उसके साथ बी कॉम्प्लेक्स मिला हुआ है जो आपको हेल्थ सेल और न्यूरो को मजबूत रखने में काफी मदद करता है, साथ में लीवर को भी प्रोटेक्शन देता है। उसके बाद इसे मिला हुआ नायोसिन, नायोसिन क्या करेगा, आपकी एनर्जी प्रोटेक्शन के साथ हेल्दी स्किन को मेंटेन करता है और नर्व फंक्शन को भी मजबूत रखता है। उसके अगले कड़े में देते हैं फोलिक एसिड आपका है इसमें, फोलिक एसिड क्या करता है, कार्डियोवास्कुलर को आपको मजबूत करेगा, बोन को मजबूत करेगा, बाकी स्किन वगैरह में फोलिक एसिड की कमी से बहुत सारा मेमोरी बूस्टअप मेरा नहीं हो पाता है, हमारा बच्चों को देते हैं फोलिक एसिड की कमी से मेमोरी माने आपको लॉस होने लगता है यदि उसकी कमी हो जाए तो मेमोरी में बहुत अच्छा काम करता है फोलिक एसिड, और क्रैम्पिंग वगैरह में इसका बहुत सारा रोल है, आपका मेमोरी बूस्टर भी आपका नियोसिन। उसके हम देखते हैं विटामिन सी, आज बूम है विटामिन सी का, लोग बोलते हैं हर इम्यूनिटी को फोकस करते लोग बोलता है विटामिन सी लीजिए विटामिन सी लीजिए, और आपके पास विटामिन सी 40 मिलीग्राम एक टेबलेट मिला हुआ है जो एक बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है जिसको हमको लेना चाहिए, और लेने के बाद ये विटामिन वाटर सोल्युबल विटामिन, इसको स्टोर भी नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमको पर डे का रिक्वायरमेंट रहता है, और इसको यदि लेते हैं तो आपका इम्यून सिस्टम मजबूत रहेगा, सेल आपका मजबूत रहेगा, चमकीला होगा, सेल मेम्ब्रेन मजबूत रखेगा, और कनेक्टिव टिश्यू यानी काफ़ी आपका टिश्यू को इतना हेल्दी बना के रखेगा कि आपको रिपेयर रोज टूटेगा तो रोज रिपेयर करने की इसके पास कैपेसिटी रहती है। उसके बाद देखते हैं एक बायोटीन है, बायोटीन हम जैसा कि जानते हैं कि हेयर स्किन और नील, बाल यदि रूखापन हो, बाल खराब लगे तो वहाँ पर आपको बायोटीन का रोल हो जाता है, स्किन आपका ड्राई हो रहा है वहाँ आपको बायोटीन ले सकते हैं, या नाखून खुरदरा या चमकीला नहीं हो रहा है वहाँ भी बायोटीन का हम यूज कर सकते हैं। तो बायोटीन लेने के बाद इसमें मिला हुआ है, इस सारा चीज़ को हमको पर्सनालिटी ग्रोथ करने में काफ़ी मदद देगा। उसके बाद देते हैं विटामिन डी, विटामिन डी क्या करेगा, विटामिन डी एज ए इम्यून बूस्टर, आप दूसरी चीज़ देखेंगे तो आपका ये कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में विटामिन डी काफ़ी मददगार होता है, यानी कि कैल्शियम को भी एब्जॉर्प्शन में मदद करेगा और साथ में बोन और दांत को आपको हेल्दी रखेगा। उसके आगे कड़ी में चलते हैं विटामिन ई, इसको बोला ही जाता है विटामिन ई को संजीवनी बूटी बोला गया है, ये यदि विटामिन ई आप कंटिन्यू लेते रहेंगे, कंटिन्यू आपको बॉडी में रिक्वायरमेंट आएगा तो आपका स्किन आपका चेहरा आपका इतना ग्लेजिंग होगा, और बहुत सारा डिजीज छोटा छोटा डिजीज है और न्यूरो डिजीज वगैरह सब आपका दूर हो जाएगा। तो विटामिन ई लेकर हम हार्ट को भी मजबूत कर सकते हैं और सेलुलर हेल्थ को भी हम मजबूत करने में मदद कर सकते हैं। उसके बाद एक आता है विटामिन के, विटामिन के का रोल हमको देखते हैं, जब पता चलता है जब बच्चा इशू होता है तो वहाँ पर बच्चों को भी जरूरत पड़ता है, उसकी माँ को भी जरूरत पड़ता है, ये आपका ब्लड को क्लॉटिंग या में भी मदद करता है, ब्लड को नियत समय में जम जाना या फ्लो उसका मेंटेन रखना, विटामिन के का बहुत वाइटल रोल है। यहाँ पर छोटा सा बता दें विटामिन के भी आपको ऐसे मिला हुआ है जो रिक्वायरमेंट है एक बॉडी को, वो पर डे आपको देगा। उसके बाद देते हैं विटामिन ए आपका मिला हुआ है, वो भारी मात्रा में 600 माइक्रोग्राम के आसपास होगा विटामिन ए, 600 माइक्रोग्राम। विटामिन ए बोला ही जाता है कि बहुत अच्छा इम्यून बूस्टर है, ये बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, यदि ये विटामिन ए लेंगे तो आपका विजन हेल्थ भी मजबूत रहेगा, साथ में इम्यून बूस्टर भी है, आपका स्किन मजबूत रहेगा, बोन मजबूत रहेगा, तो विटामिन ए को लेके हम इम्यून को डेवलप कर सकते हैं, बूस्टर के रूप में हम इसको ले सकते हैं। उसके बाद पेंथोनिक एसिड, पेंथोनिक एसिड भी इसमें मिला हुआ है जो कि आपको एनर्जी प्रोटेक्शन के रूप में काम करता है, हार्मोन्स को मेंटेन करता है, उसके अलावा मेटाबॉलिज्म को भी आपका सुदृढ़ बनाता है,
यही मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर के केस में आ जाएगा तो डायबिटीज मेलाइटिस के रूप में हमारे पास बीमारी बहुत सारा आएगा, वो आएगा, थायराइड आएगा, पीछे पीछे ब्लड प्रेशर आएगा, तो आपको ये मेंटेन करेगा आपको पेंथोनिक एसिड यदि लेते हैं। उसके बाद से मिलाया हुआ कैल्शियम, कैल्शियम ही एक ऐसा विटामिन है जो पर डे माने 30 साल तक के हम स्टोर कर सकते हैं, उसके बाद स्टोर नहीं कर सकते हैं। तो कैल्शियम डिपेंड करता है कि आपका लाइफ कितना लंबा होगा, तो बेटर हो कि हम जितना अच्छा कैल्शियम का सोर्स है जो अभी से ले के अपने बॉडी में हम अपने बच्चों को, बेटे बेटियों को, या हम भी अपने कैल्शियम को इंटेक्ट करके हम उसको मेंटेन रखेंगे। ये करेगा क्या, तो बोन को स्ट्रांग करेगा, नर्व को मजबूत बनेगा, टिश्यू को और मसल्स को मजबूत बनाएगा, तो ये आपका कैल्शियम, साथ में आपका हीमोग्लोबिन को भी ग्रो करने में मदद मिलेगा। उसके बाद देखते हैं कि हमारे इंडिया में एनेमिक पेशेंट ज़्यादा आते हैं, क्योंकि क्यों, उनको आयरन डिफिशियंसी बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो ये चीज़ एक डेली में आयरन को भी, उस चीज़ को ध्यान रखते हुए आयरन को ही मिलाया गया है। आयरन क्या करेगा, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट और फॉर्मेशन का काम करेगा, सुदृढ़ बनाएगा उसको, और ब्रेन को डेवलप करेगा, बच्चा या कोई भी खाते मेमोरी लॉस नहीं होगा, साथ में आपका बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखता है, मसल्स एक्टिविटी और एनर्जी को भी प्रदान करता है। तो आयरन का ऑलरेडी जो सेव से हम पूरा करते थे, तो आज तो 60% का गुणवत्ता ह्रास हो गया है, तो वहाँ पर हम इसको ले सकते हैं। सेकेंड उसमें आता है फास्फोरस भी, हमको इसमें मिला हुआ है। फास्फोरस क्या करेगा, आपका ब्लड का बहाव में बहुत मदद करता है, ब्लड फ्लूटी में बहुत मदद करता है, ओवर ऑब्सेसिव ब्लड बहाव होता है वहाँ पर आपको फास्फोरस जाकर रोकता है, उसके बाद बोन्स को मजबूत करता है, साथ में एनर्जी प्रोटेक्शन करता है और हेल्दी सेल को रखने में मेंटेन भी करता है। तो ये आपका डेली में एक पार्ट भी हो गया। सेकेंड आते हैं डाइट्री फोलेट, जो जो हीमोग्लोबिन ग्रोथ करने में मदद देता है। उसके बाद आयोडीन मिला हुआ है। आयोडीन की कमी से देखते हैं कि थायराइड ग्रंथि जो है काम करना बंद कर देता है। यदि वो बंद करता है तो मेरा स्किन का प्रॉब्लम आता है, पफिंग आँख के नीचे आना शुरू हो जाता है, कंस्टिपेशन शुरू हो जाता है, बाल मेरा रफ हो जाता है। तो सारा चीज़ को यदि आयोडीन इसमें इतना अच्छा मात्रा मिला हुआ है कि पर डे इसको लेंगे तो ये सारा चीज़ आपका मेंटेन रखेगा, थायराइड को आने में भी ये रोकेगा। उसके बाद मैग्नीशियम है इसमें। मैग्नीशियम क्या करेगा, मैग्नीशियम आपको बोन को मजबूत करेगा, मसल्स को मजबूत करेगा, एक बहुत बड़ा चीज़ है, मेटाबॉलिज्म को आपको इतना सुदृढ़ रखेगा कि डायबिटीज आने से रोकता है वो, और हार्ट बीट को भी समान रखे, यानी ब्लड प्रेशर को भी आपको मेंटेन रखने में मदद करेगा। उसके आपका इसमें जिंक मिला हुआ है। जिंक जैसा कि जानते हैं कि इम्यून सिस्टम को भी मेंटेन रखने में जिंक का बहुत बड़ा रोल है, साथ में आपका जॉइंट्स पेन वगैरह होगा वहाँ मदद करेगा। उसके बाद टीसी को भी रिपेयर करने में जिंक का बहुत बड़ा रोल है। उसके बाद सिलेनियम आता है, इसमें सिलेनियम मिला हुआ है, जैसा कि हम जानते हैं सेल को मजबूत करने में या बॉडी के एंटीऑक्सीडेंट को जो डिफिशियंसी है उसको पूरा करने में आपको सिलेनियम का बहुत बड़ा रोल है। इम्यून सिस्टम को मजबूत रखता है और हेल्दी हार्ट को भी मजबूत रखता है। दूसरी चीज़ देखेंगे लेडीज या जेंट्स में सेक्सुअल डिजायरनेस का जो वीकनेस होता है वो भी सिलेनियम को देखते रहेंगे तो वो भी मजबूत रहेगा और एजिंग की समस्या सबसे पहले जो आने नहीं देगा। तो ये होगा सिलेनियम कितना बहुत बड़ी चीज़ है। उसका कॉपर, कॉपर आपको कार्डियोवास्कुलर और नर्वस सिस्टम को आपको मजबूत रखने में काफ़ी मदद देता है, ज्वाइंट पेन में भी आपको काफ़ी मजबूत प्रदान करता है। उसके बाद इसके मैगजीन मिला हुआ है। मैगजीन भी क्या करेगा, मसल्स और नर्व को और एनर्जी को प्रोटेक्शन के देने में काम करता है, सहायक है। और दूसरी चीज़ है कैल्शियम को भी सपोर्ट करता है एब्जॉर्प्शन में। उसके बाद आता है क्रोमियम। क्रोमियम क्या, जैसा कि जाता है क्रोमियम जो है ना एक ऐसा क्रोमियम विटामिन है जो आपको मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है, यानी कि ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है, कार्बोहाइड्रेट को मेंटेन करता है, साथ ही प्रोटीन और फैट मेटाबॉलिज्म को भी कंट्रोल करता है। यानी क्रोमियम यदि पर डे लिया जाए तो आपका एजिंग नहीं आएगा, दूसरा चीज़ डायबिटीज आने की संभावना काफ़ी हद तक कम होगा। यदि आ भी गया है तो उसको बैलेंस करना, उसको रोकना या उसको वहाँ से बॉडी से डायबिटीज को मेंटेन करना, ये काफ़ी लाभप्रद है आपका क्रोमियम यदि लेते हैं तो। उसके बाद है लास्ट में देखते हैं इसे पॉलीमेडोन है, जो कि आपका मेटाबॉलिज्म और सेल फंक्शन को मजबूत करता है, उसका बॉडी में आयरन स्टोर करने में भी मदद मिलता है। इसके साथ इसका जो टैबलेट है वो इतना अच्छा अल्फा अल्फा कंसंट्रेटेड एसिरोला चेरी और स्पाइसेस पाउडर से इतना अच्छा कोटिंग किया हुआ है, इसका टेस्ट नहीं पता चलेगा। और 100% जो आपको फाइटो न्यूट्रिएंट से मिला हुआ है उसको सेफ रखता है, और ये टैबलेट को जैसे ही खाते हैं तो टेस्ट तो बहुत सुंदर लगेगा भी नहीं, सारा पेट में जाके खुलता है और सारा ये फाइटो न्यूट्रिएंट आपका आँख में जाके खुलता है और वहाँ से आपका पूरा बॉडी में आपका काम करना शुरू करता है। तो वर्तमान परिवेश में हम यही कहेंगे
हम जमीन को नहीं बदल सकते हैं, अपने पोटेंशियल की गुणवत्ता को हम नहीं ला सकते हैं जो मेरे बस में नहीं है। हाँ, कोशिश किया जा सकता है, लेकिन एक ऑप्शन के रूप में वर्तमान में जो ऑप्शन हमारे पास है उसमें हम अपने आप को न्यूट्रल डेली लेके उस चीज को हम हेल्दी रख सकते हैं, अपने स्वास्थ्य को हेल्दी रख सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, गॉड ब्लेस यू।